Beneath all the rubber, and all that runs through my flesh is a spirit of trouble. हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दिस इज़ मी यूजवेल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कलरफुल मेकअप करके देखती हूँ कलरफुल आई मेकअप करके देखती हूँ सो so, मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया था होप यू लाइक इट तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले गुड वाइब्स का फेस सीरम अप्लाई किया है टोनर इससे पहले मैंने अप्लाई कर लिया था और इसको मैं अच्छे से अप्लाई करके इसको कुछ देर सेट होने के लिए छोड़ दूंगी और तब तक मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है अपने आईलेट्स पर और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से और उसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से एकदम सेट कर लूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे डार्क पर्पल कलर का शेड ले कर के फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक ग्रीस लाइन पे एक विंग ड्रॉ करूँगी ये एकदम अच्छा सा सेम दोनों आइज पे भी कर लेना है और उसके बाद मैं एक पॉइंटेड ब्रश लूँगी और उसके बाद लाइट पर्पल कलर का शेड है ये उससे मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी वो डार्क कलर और लाइट कलर को एकदम अच्छा सा अच्छे से इंटेंस करूँगी मतलब दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है आपको एंड ब्लेंड करने के बाद फिर से मैं फ्लैट ब्रश पे पर्पल वाला जो डार्क पर्पल शेड था उसको लेकर के थोड़ा सा जो फेड हो गया था कलर ना उसको मैं डार्क कर लूँगी एंड उसके बाद मैं एक फ्लैट छोटा सा फ्लैट ब्रश लूँगी और उसके बाद कंसीलर को देख लो मैंने कितने अच्छे से और किस तरीके से ड्रॉ किया है ए, ए, एकदम विंग ही विंग टाइप का ही एकदम ड्रॉ कर लिया अच्छे से और पूरे लिड्स पे कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद फिर डायरेक्ट कंसीलर पे कोई भी आई शेडो मत लगाना वरना वो ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो यहाँ पर मैं उसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको सेट कर रही हूँ एकदम आराम से जिस जिस जगह पर कंसीलर है ना उस जगह पर एकदम आराम से मैं उसको सेट कर ले रही हूँ सेकेंड वाला जो आइज़ है उस पर ना मैं विंग थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं पाई वो छोटा सा मिरर था तो अच्छे से बना नहीं पाई तो अगर आप बनाओ तो थोड़ा ध्यान से बनाना फिर यहाँ पे मैं रेड कलर डार्क ऑरेंज और येलो कलर को ले कर के अप्लाई करूँगी तो मैं अपनी इनर कॉर्नर्स पे रेड कलर फिर यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर देन यहाँ पर येलो कलर अप्लाई करूँगी एंड इन सबको ब्लेंड नहीं करना है बस सिंपली प्लेस कर देना है फिर स्काई कलर लूँगी स्काई ब्लू कलर फिर डार्क ब्लू कलर से ना विंग बनाऊंगी तो कैमरे में दिख नहीं रहा है बट मैंने लास्ट में डार्क ब्लू कलर यूज़ किया था तो मैं अब यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और फिर से यहाँ पे विंग विंग लाइनर डॉ कर लूँगी एकदम अच्छे से तो विंग लाइनर ड्रॉ करने में थोड़ा सा मेहनत लगा आज मुझे पता नहीं क्यों फिर यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई कर लूँगी एकदम अच्छे से जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स है उस जगह पे देन फिर मैंने यहाँ पे लैशेस वेयर कर लिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मस्करा अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद आज मैंने यहाँ पर ये फिटमी का फाउंडेशन अप्लाई किया है इन द शेड वॉम न्यूड और इसको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी एंड ये फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है मतलब सारे फाउंडेशन में सबसे बेस्ट फाउंडेशन है ये फिर यहाँ पे मैं अंडर आइज पे कंसीलर अप्लाई कर लूँगी अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ उस जगह पे अप्लाई करके देन उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी जो जो आ, मतलब आई शेडो बाहर आया था ना उसको भी मैं एकदम शार्प कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड करके सो so, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है देन फिर यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से ये पॉइंटेड फ्लैट फ्लैट फ्लैटनी पॉइंटेड ब्रश है मेकअप ब्रश इस अच्छ इसको अच्छे से जितना कंसीलर फाउंडेशन है सबको ब्लेंड कर लूँगी वो अच्छा कवरेज दे देगा ब्रश जो है ना वो ज़्यादा अच्छा कवरेज दे कवरेज देता है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ब्लेंडर तो मैं अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट की हेल्प से जितना भी मैंने फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया है अपने मेकअप को एकदम अच्छे से सेट कर लूँगी एंड यहाँ पे ये यह जो कॉम्पैक्ट है मैंने मेकअप किट से ही अप्लाई किया था और अब मैं किस ब्यूटी की काउंटोर स्टिक से नोज़ को काउंटोर कर लूँगी एंड थोड़ा थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे अपने चीक बोन्स को भी थोड़ा सा काउंटोर करूँगी अगर आपका फ़ेस जो है मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो तो थोड़ा हैवी काउंटोर करना मेरा नहीं है मेरा ऑलरेडी बहुत पतला है तो मैंने बहुत लाइट काउंटोर किया है तो अब मैं यहाँ पर आई ब्रश की हेल्प से अपने अंडर आइज़ को ना कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से सेट से कर रही हूँ अंडर आइज़ अच्छे से सेट नहीं हुआ था दैट्स वाई अब मैं यहाँ पे अपने आई को फ़िल कर लूँगी डार्क ब्लैक कलर से एकदम अच्छे से उसको शेप दे करके एंड देन उसको कॉम्ब कर लूँगी फिर यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर प्लस ब्लश पैलेट यूज़ किया है तो इसमें से मैं यहाँ पे पिंक कलर का जो ब्लश है वो अपने चीक्स पे एकदम अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड उसी में से उसी पैलेट में से मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया अपने चीक बोन्स पे और नोज पे अप्लाई कर लूँगी ब्रो बोन्स पे अप्लाई मैंने नहीं किया था आप अप्लाई कर लेना देन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंटेड स्पॉन्ज ब्रश यूज़ किया है उससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी मेरे पास यहाँ पे सिल्वर कलर का लाइनर नहीं था तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो ले लिया और एकदम छोटे से ब्रश की हेल्प से ना एकदम पतला सा लाइनर ड्रा करूँगी आप भी अगर करो तो प्लीज़ मोटा मत कर लेना एकदम पतला सा लाइनर ड्रा करना अगर वो मोटा हो जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा तो अब मैं यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी की लाइट पिंक थोड़ा सा रेडिश टाइप में है वो लिपस्टिक अप्लाई करूँगी एंड मैं यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले ही मैं जब मेकअप कर रही थी मतलब फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं यहाँ पे फाउंडेशन फाउंडेशन जो है अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर रही थी तो आप भी अगर अप्लाई करो ना जब भी लिक्विड लिपस्टिक तो ध्यान रखना कि लिप बाम तो थोड़ी देर पहले ही लगा लेना उसके बाद अच्छे से फाउंडेशन लगा के उसको ब्लेंड कर लेना देन फिर लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कर लेना और ज़्यादा अमाउंट मत अप्लाई करना वरना वो केकी केकी हो जाएगा तो चलो लिपस्टिक लग गया एंड देन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का काजल लेकर के क्योंकि मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे कोई भी एशेडो अप्लाई नहीं किया था तो मैं यहाँ पे ना वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं करूँगी लैश लाइन जो है ना वहाँ पे ग्रीन कलर का अप्लाई करूँगी काजल ना ज़्यादा अमाउंट में ना कम अमाउंट में मीडियम अमाउंट में अप्लाई करूँगी ताकि वो एकदम अच्छा सा इफ़ेक्ट दे तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है यहाँ पे ये बाई द वे ये जो काजल था वो ए का था आप चाहो तो लोअर लैश लाइन पे कोई आई शेडो भी लगा सकते हो मुझे यही अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने लोअर लैश लाइन पे क्या किया कि मस्करा अप्लाई कर लिया एकदम अच्छे से और उसके बाद फिर मैं हुडा ब्यूटी की ये मेकअप फिक्स फिक्सर को अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको एक्सेस को अच्छे से रिमूव कर लूँगी तो हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट सो हेयर इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा दैट्स फॉर दैट्स ऑल फॉर टू वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो